कई दिनों से मैं लास वेगस के जो कैसीनोज हैं उनके ऊपर बनी हुई डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था, उनके सिक्योरिटी जो संभालते हैं उन लोगों के इंटरव्यूज देख रहा था। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकली जो मुझे लगा कि मुझे डेफिनेटली शेयर करनी चाहिए जितना जल्द से जल्द हो। इनको मालूम नहीं कि ये कैसीनो की पूरी स्ट्रेटजी है, इनको इनको इनकी पोजीशन भी क्लियर नहीं है। कह रहा ये ना लोकल्स हैं, ये आ जाते हैं रोज़ 2-3 हज़ार 4 हज़ार ले करके 2-2 हज़ार रुपये बनाने के लिए बैठे रहते हैं। तो बॉस अगर कोई, तो ये एक बहुत बड़ा वो है। तो अभी इसकी मैं पूरी की पूरी परत खोलने वाला हूँ। तीसरी कैटेगरी जिसको कैसीनो भी नफरत करता है, कैसीनो तीसरी कैटेगरी से हेट करता है, तीसरी में नहीं आते हैं वो, सीधा फिर चौथी में जाते हैं क्योंकि तीसरी वाली तो सबसे अकलमंद कैटेगरी हो गई। तो डॉन जॉनसन वो है जिसने लीगल तरीके से कैसीनोज में 15 मिलियन 6 महीने में निकाले, पर हिट एंड रन का आपने नाम सुना होगा, सलमान खान के ऊपर केस चला था हिट एंड रन, 15 मिनट 16 मिनट का वीडियो हो गया और मैं उस पॉइंट पे नहीं आया हूँ, उसके आसपास ही कहानियाँ सुनाई जा रहा हूँ आपको क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग मेरी बातें सुन के बोर नहीं हो रहे हो और मैं कोई भी बेकार की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के इर्द गिर्द आपकी सारी भूमिका आपको क्लियर है। लगातार मेरे और मेरी लाइफ के बीच में फाइट चलती रहती है हैकिंग की। वो कहती है मैं तुझे हैक करूँगी, मैं कहता हूँ नहीं मैं तुझे हैक करूँगा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। इस टाइम पे मैं वीडियो फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। इस समय लगभग सुबह के 10:30 बज रहे हैं और नॉर्मली मैं इस टाइम पे कभी मैंने वीडियो बनाया नहीं, पर जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पर छाँव है पेड़ों की, तो मौसम भी थोड़ा ठंडा सा है। तो मैंने कहा एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे आप लोगों से करनी थी, मतलब एक, तो मैंने कहा इसके लिए वीडियो बना देता हूँ, फिर पता नहीं कभी टाइम मिलता है नहीं मिलता है ऐसे करके। तो ये जो लोग कैसीनो लाइन से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि लोगों को मालूम नहीं होता लाइफ के अंदर ना, लोगों को मालूम नहीं होता है ये बात। कैसीनो की तो है पर इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये ओवरऑल लाइफ पे भी काम करती है। लोगों को अपनी पोजीशन क्लियर नहीं होती, उनको अपनी लोकेशन नहीं पता होती। लोकेशन मतलब वो वाली लोकेशन नहीं जहाँ आप रह रहे हो, जहाँ आप खड़े हो, लाइफ में अपनी पोजीशनिंग क्या है, अपने अपना आपका लक्ष्य जो भी है, तो आप अभी कहाँ खड़े हो, कितना दूर हो, कितना पास हो। अपना आत्ममंथन से मेरा कहने का मतलब है कि लोगों को अपनी पोजीशन नहीं क्लियर। उनसे पूछो क्या कर रहे हो, ये कर रहा हूँ लाइफ में, कब तक करोगे, अभी कुछ सोचा नहीं है। या वो ऐसे गोलों को डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो मैं तब तक करूँगा ऐसा बोल देते कुछ लोग, पर उनको मालूम नहीं होता कि वो ऐसा पिछले कई सालों से बोलते आ रहे हैं। उनके एक बहुत बढ़िया टेस्टिंग मेथड है, सामने ना चपोरा फोर्ट पे धूप पड़ रही है, मैं बार बार वहीं देख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम चपोरा फोर्ट इतना क्लियर दिख रहा है इसको, इस टाइम पर मैं छत पर कम आता हूँ। तो अपने आप को टेस्टिंग करने का क्लियर मेथड है कि आप आज से 1 साल पहले 2 साल पहले 5 साल पहले कभी भी याद करो कि जब आप सुबह उठे हो और आपने यही सोचा हो, मतलब किसी भी टाइम पे आपने यही सोचा हो कि अब मैं ये कर रहा हूँ, ये करूँगा, तो मैं यहाँ आऊँगा, और आज आप देखो 2 साल बाद या 1 साल बाद या 6 महीने बाद या 5 साल बाद कि आप क्या वो हुआ है। तो 99% लोग ऐसे निकलेंगे कि जो 2 साल 5 साल पहले सोच रहे थे कि मान लो 5 साल पहले वो सोच रहे थे ऐसे ऐसे करने पे ऐसे ऐसे होगा हमारे साथ और हम वहाँ पहुँच जाएंगे या हमारी ये वाली लाइफ होगी, और वो ऐसे नहीं है और 5 साल बाद ही वो यही सोच रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि उनको अपनी पोजीशन क्लियर नहीं है और वो आज भी यही मान के और ऐसे ही धीरे धीरे बूढ़े होकर मर जाते हैं। सेम चीज़ कैसीनो के अंदर होता है। कैसीनो के अंदर गैम्बलरों की इतनी बुरी हालत हुई पड़ी है कि मतलब बहुत बुद्धि यहाँ से तो ख़त्म हो चुके, मर चुके हैं वो। उनका काम क्या है आपको पता है, हर कैसीनो में सोने के लिए एक जगह बनाई जाती है, मतलब बैठे बैठे सो सकते हो आप, सिटिंग एरिया होता है, ऑफिशियली सोने की जगह नहीं होती है पर वो रात को अलाउ करते हैं कि आप वहाँ पे 2-4 घंटे सो सकते हो। मतलब ऐसी लाइफ देखी है मैंने कि वो लोग जहाँ भी रहते हैं डॉर्मेट्री में या कोई छोटा मोटा कमरा लेके किराए पे, बस नहा धो करके आ जाते हैं कैसीनो और दिन भर वहाँ
खेलते रहना, खेलने के लिए पैसा चाहिए तो पैसा तो इतना होता नहीं है या ख़त्म हो जाता है, फिर वो एक दूसरे को जिताते हैं और लोगों को, उनको बोलेंगे ये नंबर आएगा वो नंबर आएगा, आ गया तो उनसे 500,000 ले लिए, फिर अपना दिन काट लिया। इस तरीके की लाइफ, मतलब खाना सिगरेट शराब फ्री मिल ही जाती है, पता है बाहर जाएंगे तो सिगरेट भी पियेंगे तो इतने की सिगरेट आएगी, ये हाल है उनका। और ऐसा नहीं कि वो उसमें वो बीच बीच में कभी कभी वो लोग अच्छा खासा जीतते भी है। मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी, यार जब आप जीतते हो तो आप उन पैसे को करते क्या? वो कहते हैं सुबह जीते थे 20,000, वो फिर उसके बाद में आया ऐसा हुआ वैसा हुआ खेला, वो जीरो हो गए। तो इसके बारे में तो मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों से बात करूंगा या लाइव सेशन के थ्रू बात करूंगा, उसमें आप लोग भी अपना चैटिंग कर सकते हो जो लोग मेंबर्स हैं मेरे साथ, कि आपने भी अपना मन की बात लिख दी या सवाल पूछ लिया, मैंने भी बता दिया। जल्दी शुरू करूंगा मैं, मतलब पहले मैं ना दिमाग में जो भी कंटेंट है वो सबके वीडियो बनाना चाहता हूँ। जब सारे कंटेंट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में लाइव चैटिंग शुरू होगी, कि भाई लाइव हो गया, मेंबर्स हैं वो देख रहे हैं तो वो अपने कमेंट या वो अपने विचार अपने बात कर सकते हैं। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मुझे मालूम पड़ी, मैंने कई दिनों से मैं लास वेगस के जो कैसीनोज़ हैं उनके ऊपर बनी हुई डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था, उनके सिक्योरिटी जो संभालते हैं उन लोगों के इंटरव्यूज़ देख रहा था, कोई नेशनल ज्योग्राफिक में किसी ने बनाई, किसी ने निवाड़ा डॉक्यूमेंट्री बनाई, किसी ने डिस्कवरी पर है ऐसे, तो उस समझने की कोशिश कर रहा था काफ़ी टाइम से। तो उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट बातें निकली जो मुझे लगा कि मुझे डेफिनेटली शेयर करनी चाहिए जितना जल्द से जल्द हूँ। तो उस पॉइंट पे आने से पहले मैं आपको ना डिटेल में चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पॉइंट समझने में आसानी हो, आपको हाँ बिल्कुल सही ऐसा ही होता है ऐसा ही हमने देखा, ये बात आने के लिए आपको पहले शुरू में एक पूरी डिटेल एक व्याख्या देनी पड़ेगी, वही मैं दे रहा हूँ। तो आपको मालूम है कि कुछ कैसीनो के अंदर बड़े प्लेयर होते हैं, एक तो होते बहुत बड़े प्लेयर, ज़्यादातर वो टूरिस्ट होते हैं, मतलब टूरिस्ट मतलब गैम्बलिंग के लिए आए होते हैं, वो आते हैं 10-20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी उनकी हैसियत है वो लेके आते हैं। कैसीनो उनको लग्जरी रूम देता है, VIP ट्रीटमेंट देता है और वो प्ले करते हैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितना भी उनका टाइम होता है, और उसमें वो वहाँ पे बड़ा लॉस करके चले जाते हैं। 99% लॉस ही होता है, कुछ लोग प्लस में भी जाते हैं तो वो अगली बार लॉस कर देते हैं, या इस बार जो प्लस किए होते हैं उससे डबल वो अपने पिछले ट्रिप में लॉस कर गए होते हैं, ये उनके साथ होता है। इसी से थोड़ा सा और कम कर लो, डेली आने वाले या रेगुलर प्लेयर में भी कुछ बड़े प्लेयर होते हैं जो थोड़ा बड़े अमाउंट से खेलते हैं, टेबल से चिपके रहते हैं, जाते ही 50-50 हज़ार की चिप लेते हैं, खेलते हैं, है ना, इनको भी कैसीनो बड़ा इंटरेस्ट इनमें भी लेता है, इंटरेस्ट लेता है कैसीनो, बड़ी दिलचस्पी से बात करता है इनके साथ और इनकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देता है, इनको रॉयल फील कराता है, ठीक है। तो ये जो दोनों ही तरह के लोग होते हैं, जो चाहे गोवा से बाहर के हैं पर सिर्फ गैम्बलिंग करने आए हैं, या टूरिस्ट हैं पर गैम्बलिंग उनका पार्ट है इंजॉयमेंट का, या वो लोग प्रोफेशनल गैम्बलर मतलब बहुत बड़े अमीर लोग हैं पैसे वाले हैं और वो कैसीनो से पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए वो बड़े बड़े पैकेजेस लेते हैं और धीरे धीरे सब गवा देते हैं, ठीक है। और जो दूसरे वाले बताए वो भी गवा देते हैं। और इन लोगों से जब आप बात करोगे ना, ये दोनों कैटेगरी, अभी तीसरी पे मैं आया नहीं हूँ, ये दोनों कैटेगरी के लोग बोलते हैं कैसीनो में क्या है, कोई जीता है आज तक कैसीनो से, ये तो बस टाइम पास के लिए है। एक मिनट थोड़ा सा, कैसीनो से कौन जीता है, हम तो टाइम पास के लिए हम लोग खेलते हैं, ऐसे करके ये लोग बोलते हैं, मतलब बड़प्पन दिखाते हैं कि नहीं नहीं हम तो भैया टाइम पास के लिए खेलते हैं। ये दोनों ना तीसरी कैटेगरी वाले जो, और चौथी कैटेगरी वाले जो गैम्बलर कहो या प्लेयर कहो कुछ भी कहो, उनको ना बड़ी नीची नज़रों से देखते हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं, पर इनकी मैंने स्टेटमेंट में सुना है या कई बार आपने मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट में भी देखा होगा कि अरे यार ये तो वो लोग हैं जो 4-5 हज़ार रुपये लाते हैं, 2-3 हज़ार बना के भाग जाते हैं, मतलब वो इस तरीके से बोलते हैं ये क्या है, ये कोई औकात है क्या तुम्हारी कि तुम 5 हज़ार रुपये ला रहे हो, 2-3 हज़ार बना के लेके जा रहे हो,
या वहाँ पर भी ना वो लोग अपना थोड़ा सा उनके अंदर एक एटीट्यूड होता है कि हम बड़ा प्लेयर है, ये कैसे छोटा छोटा खेल रहे हैं, कलर ऑक्यूपाई करके बैठे, हमें कलर नहीं मिल रहा है, और ये 2,000 रुपये लेकर के टोटल बैठा, 1,000-1,000 की चिप खरीद रहा है और उसको लगा रहा है, हमने तो एक बैटी 1,000 रुपये की लगानी है, टोटल अमाउंट परचेजिंग 1,000 रुपये की कर रहा है, तो वो उनके अंदर एक ना एटीट्यूड रहता है, इनको लेके वो बड़ी नीची नज़रों से देखते हैं। कमेंट में भी देखना कि अरे ये तो डेली लोकल लोग हैं, रोज़ आ जाते हैं 2-4 हज़ार। अभी मैं कुछ दिन पहले खाना खा रहा था, वही एक कसिनो में लंच कर रहा था, तो मेरे सामने वाले टेबल पे दो लोग बात कर रहे, कह रहे ये एक होगा बड़ा प्लेयर, तो वो अपने दूसरे साथी को कह रहा ये ना लोकल्स हैं, ये आ जाते हैं रोज़ 2-3 हज़ार 4 हज़ार ले करके 2-2 हज़ार रुपये बनाने के लिए बैठे रहते हैं। तो बॉस अगर कोई, तो ये एक बहुत बड़ा वो है, तो अभी इसकी मैं पूरी की पूरी परत खोलने वाला हूँ कि क्या होता है कि आप एक बात समझो कि हमारे यहाँ बोटिंग क्लब बन गया है, यहाँ पे ना अभी सीज़न चल रहा है ना बहुत पीक, तो यहाँ पे एक दो लोगों ने वो छोटी वाली बोट ला करके वो बोटिंग क्लब बना दिया है, दो दो बोट ला करके, तो ये देखो बोटिंग क्लब शायद आपको दिखे, बोटिंग करते हुए लोग दिखेंगे शायद, मुझे पता नहीं दिख रहे नहीं दिख रहे, चलो कोई नहीं, हम अपने पॉइंट पे आते हैं। और बोटिंग के लिए फिर बात करेंगे। तो कहाँ थे हम, हाँ, ये लोग बड़ी नीची नज़रों से देखते हैं उन लोगों को, और इनको बड़ा प्राउड होता है कि हम तो बड़े प्लेयर हैं, हम तो बड़ा अमाउंट लेके आते हैं, और कसिनो हमें वीआईपी ट्रीटमेंट देता है, बात बात पे मैनेजर को बुला लेंगे, बात बात पे मैनेजर से बात करेंगे, और ऐसे लोगों से जब कभी ये बात करते हैं तो कहते हैं अरे अच्छा उससे मैं कह दूंगा, अरे उसको तो मैं जानता हूँ, उससे पूछो मेरे बारे में, अरे बताना सर इसको मेरे बारे में, ये ऐसे वो एक उसमें रहते हैं, उनके अंदर एक रॉयल फीलिंग रहती है। तो जो मैंने पता लगाया, जो मैं बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि क्या है, ये तीसरे प्लेयर और चौथे नंबर के प्लेयर के साथ, ये ऊपर के दो गैम्बलर जो होते हैं, या गैम्बलर ही कहूँगा मैं ये, क्योंकि प्लेयर वाला एटीट्यूड नहीं है, तो ये लोग ऐसा करते हैं। चौथे वाला कौन सा होता है, चौथे वाला वो होता है जो वहीं पर सोता है, सिर्फ नहाने के लिए कपड़े बदलने के लिए अपने घर जाता है या डॉर्मेट्री में जाता है, उसका सब कुछ लुटपिट चुका है, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़बाजी करता है, 1,000-2,000 की उससे बनाता है, जीरो होते हैं या 5-10 हज़ार बन जाते हैं, फिर वो एक दिन का बादशाह बनता है। ये चौथा वाला जो हम शुरू में भी बात कर रहे थे कि इनका कोई, उनको मतलब ख़त्म हो चुके हैं अभी, इनको कुछ नहीं पता, मतलब अगर ये 20,000 जीत भी जाए ना 2,000 से, तो भी इनको कुछ नहीं पता करना क्या है, ठीक है, वहीं पड़े रहना, पूरे पूरे दिन वहीं पड़े रहते हैं, तो ये ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि ये सब लोग अपना बहुत बड़ा रकम हार चुके हैं, जिसकी वजह से परिवार सोसाइटी दोस्तों ने इनका साथ छोड़ दिया, तो अब इनके पास कुछ है नहीं, तो जिस दिन जीतते हैं उस दिन कुछ ढंग के कपड़े खरीद लेते हैं, जूते खरीद लेते हैं, वो आपको मालूम पड़ जाता है कि एक दो दिन में मोटी रकम से जीता है, क्योंकि वो जूते नए दिखेंगे आपको या टी शर्ट नहीं दिखेगी, वो आपको मालूम पड़ जाता है। कुछ और लोग भी इसमें आते हैं, वही ऊपर की दो कैटेगरी वालों में, जो बहुत सोना पहन के रखते हैं, बहुत सोना, मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे देश की दुनिया में अकॉर्डिंग टू UN 195 कंट्री है, 195 कंट्री के कितने प्रधानमंत्री या राष्ट्रपतियों को आपने सोना पहने हुए देखा है। हमारे यहाँ के सुपरस्टार ले लो, अक्षय कुमार, सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, कितना सोना पहनते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, या कौन कितना सोना पहनता है, या महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे, या गोवा के CM प्रमोद सावंत, ये तो बड़े सिंपल सादे से कपड़े पहनते हैं, या गोवा के CM तो हमेशा पैंट शर्ट पहनते हैं, पर कुछ लोग होते गले में 3-3, 4-4 चैन, हाथ में सोना, मतलब खूब शो ऑफ मतलब करके आते। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जो आदमी सोना नहीं पहन रहा है उसकी औकात नहीं है, उसके पैसा नहीं है, उसके पावर नहीं है, इस हिसाब से तो फिर ये सारे देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो बिल्कुल लुक्के बुक्के होने चाहिए थे। पर ठीक है, वो उनका अपना लाइफस्टाइल है, पर वो क्योंकि ना लाइफस्टाइल से प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसकी वजह से ना उनके अंदर भी एक वो रॉयल्टी वाली फीलिंग रहती है। तो जो मैंने पता लगाया, अब आप समझ गए, चार कैटेगरी के तरीके के गैम्बलर्स की हम बात कर रहे हैं। एक वो जो बहुत बिग शॉट प्लेयर है,
जो बड़ा पैसा लेके आता है, लोकल है या बाहर का हमें उससे मतलब नहीं, पर खूब बड़ी बड़ी बैट खेलता है बहुत ही ज़्यादा, एक और चले जाता है कुछ दिन में। दूसरा आता है, दूसरा वो आते हैं जो रेगुलर प्लेयर है, पर वो भी बड़ा बड़ा लेकर के आते हैं, बड़ी पेमेंट से खेलते हैं और रेगुलर आते हैं, ऑलमोस्ट 8-8 घंटे चिपके रहेंगे, 10-10 घंटे चिपके रहेंगे, जब तक उनका उस दिन का पैसा ना ख़त्म हो जाए, बात बात पे कार्ड स्वैप करेंगे। और तीसरा मैंने आपको बताया कि वो लोग होते हैं जो छोटा अमाउंट लेके आते हैं, छोटा अमाउंट से पैसा बनाते हैं, बन गया तो भाग जाते हैं, नहीं बना तो छोटा अमाउंट दे करके अपना चले जाते हैं। और चौथा तो बिल्कुल ही डेड वाले गैम्बलर हैं कि जिनका अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, जो होपलेस है, उम्मीद छोड़ चुके हैं। तो ऊपर के दो लोग नीचे वाले ये दो लोगों को बड़ी हीन भावना की नज़रों से देखते हैं, मतलब इनको नीची नज़रों से देखते हैं, ठीक है। इनको मालूम नहीं कि ये कसीनो की पूरी स्ट्रेटजी है, इनको इनको इनकी पोजीशन भी क्लियर नहीं है। तो जो मैंने लास वेगास और ये सारी चीज़ों में जो रिसर्च करी, जो इनके बारे में मैं काफ़ी दिनों से पता लगा रहा था कि क्या कुछ नई चीज़ मेरे को समझ में आए, तो एक बड़ी गहरी बात समझ में आई कि ये जो लोग इतराते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में कि हम बड़े प्लेयर हैं, हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम तो कसिनो के ऊपर डिपेंड नहीं है, हम तो कसिनो शौक मौज के लिए आते हैं, और धीरे धीरे कुछ सालों बाद वो वही तीसरी कैटेगरी में या चौथी कैटेगरी, तीसरी में नहीं आते हैं, वो सीधा फिर चौथी में जाते हैं, क्योंकि तीसरी वाली तो सबसे अकलमंद कैटेगरी हो गई। तो एक बात समझ लेना, पैसा हमेशा छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है, चाहे वो कसिनो हो, चाहे वो कोई और बिज़नेस हो, चाहे वो कल लाइफ हो। मैंने अपनी लाइफ में कई सारे बिज़नेस किए हैं, जो हर बिज़नेस में मैं पीक पे पहुँचाऊँ, टॉप पे पहुँचाऊँ सिर्फ, और उसके बाद उसको जैसे ही मेरा सिंपल सा सिद्धांत है टॉप पे पहुँचते मैं उस बिज़नेस को छोड़ देता हूँ, लात मार देता हूँ। लोगों ने बोला यार हम 20 लाख हार गए, हमारे को रिकवरी बताओ कैसे होगी, सब बताऊँगा रिकवरी कैसे होगी। तो क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी बिज़नेस जो है उसको सब छोड़ने का सबसे बेस्ट टाइम होता है जब वो पीक पे चल रहा होता है, जब वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा होता है उसी समय उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि वही उसका बेस्ट टाइम होता है छोड़ने का। एक बिज़नेस मैंने पैसा लगा के किया था लोन लेकर के 25-30 लाख का 15 साल पहले, उसमें मैं फ्लॉप हुआ था, पर उससे भी सबक सीखा और उसके घाटे को वक्त से पहले पूरा कर लिया। तो छोटे पैसे से हमेशा बड़ा पैसा बनता है लाइफ के अंदर, बड़े पैसे से बड़ा पैसा जो बनेगा वो फिर इतना बड़ा पैसा होना चाहिए जैसे कि कोको कोला कंपनी आई और उसने लाखों करोड़ क्या कहते हैं हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया और फिर वो अब आ गई, वो वाला पैसा हो तो चलो समझ में आता है, जैसे कसिनो वाला है, पर हम जैसे लोगों के लिए छोटे पैसे से बड़ा बनता है। तो ये जो अब मैं आपको मेन बात बता रहा हूँ, 15 मिनट 16 मिनट का वीडियो हो गया और मैं उस पॉइंट पे नहीं आया हूँ, उसके आसपास ही कहानियाँ सुनाई जा रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग मेरी बातें सुन के बोर नहीं हो रहे हो और मैं कोई भी बेकार की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के इर्द गिर्द आपकी सारी भूमिका अब आपको क्लियर है। अब आपको चार कैटेगरी में मैंने गैम्बलर बांट दिए, अब इन चार कैटेगरी में से जो दो कैटेगरी के गैम्बलर हैं इनको जो दुनिया के कसिनोज हैं वो इनको उन्होंने एक वर्ड दिया हुआ है हाई रोलर, कि ये हाई रोलर गैम्बलर है। हाई रोलर गैम्बलर जो होता है उन्होंने उन लोगों के लिए बोला है जो ऊपर की दो कैटेगरी है, और आपको मालूम है दो कैटेगरी क्या है जिसमें मैंने आपके 10-15 मिनट ख़राब कर दिए, कि वो जो बहुत बड़ा पैसा लेके आते हैं, दिन भर चिपके रहते हैं, जब तक अपना पैसा ख़त्म नहीं हो जाता खेलते रहते हैं, बड़ा उठ जीतने के बाद भी नहीं उठते हैं, लगातार खेलते रहते हैं, फिर मतलब आज जीत के चले भी गए तो कल आके चिपक जाएंगे, परसों चिपक जाएंगे, आज इस कसिनो परसों उस कसिनो, बड़े बड़े पैकेज लेते हैं, उसमें उनको महंगी शराब मिलती है, स्कॉच विस्की हो गई, स्वीट हो गया, बढ़िया मतलब सब कुछ मिलता है उनको, आने जाने की फ़्लाइट की टिकट ये वो फलाना ढिमकाना, तो वो इसी चीज़ में बड़ा खुश रहते हैं। तो उनको कसिनो नाम देता है हाई रोलर, कसिनो उनका दीवाना रहता है, उनके लिए रेड कारपेट बिछाता है, उनके आगे पीछे चार चार मैनेजर घूम रहे होते हैं, सर कोई ज़रूरत तो नहीं कुछ नहीं, उनका स्पेशल ध्यान रखा जाता है उनकी सेफ्टी का, सिक्योरिटी का और स्पेशली लग्जरी का। ये ऊपर के दो कैटेगरी वाले हैं हाई रोलर, एक इसमें भी हाई रोलर, एक बहुत बड़े हाई रोलर हो गए और एक जो थोड़े से कम पर वो भी हाई रोलर की कैटेगरी में आ गए, जो बड़ा पैसा लेके आते हैं, चिपके रहते हैं दिन भर, खेलते ही रहते, उनको पता ही नहीं उनका गोल ही नहीं है। कसिनो इन लोगों को बहुत प्यार करता है, मतलब इनको बहुत पसंद करता है, क्योंकि ये लोग ओवरऑल बहुत बड़ी रकम दे के जाते हैं कसिनो को, और फिर इनमें से कई लोग या तो चौथे नंबर की कैटेगरी के कसिनो बन गैम्बलर बन जाते हैं, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग भाग जाते हैं, कुछ लोग कहीं के नहीं रहते हैं, पर कसिनो में ये बहुत बड़ी रकम दे देते हैं, क्योंकि मैंने देखा ना कि टॉप 10 लूज़र इन कसिनो जो वर्ल्ड में, तो आप हैरान हो जाओगे वो कितना कितना हारे हैं।
तो ये वो इसलिए कसिनो इनको बड़ा पसंद करता है। और जो चौथे नंबर के हैं उनसे भी कसिनो को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी रकमें दे चुके हैं। मेरी सबसे बात हुई, अगर हम तो 50 लाख माइनस है, कोई 20 लाख माइनस है, अभी एक कल किसी से मेरी बात हो रही थी, वो 1.5 करोड़ के आसपास माइनस है 13 साल में, तो वो इतने पैसे दे चुके हैं, किसी में 10 लाख आ रहे हैं, किसी में 20 लाख आ रहे हैं, किसी में 50 लाख आ रहे हैं, कि अब कसीनो उनको रोटी पानी खिला रहा है, उनकी एंट्री फ्री है, और वो लोग रोज़ नए नए मुर्गे फंसा के लाते हैं इनके लिए, इनकी PR एजेंसी के तौर पे काम करते हैं, मतलब कि इनका प्रमोशन भी करते रहते हैं, समझ लो एक तरह से इनडायरेक्टली रूप में, और रोज़ छोटा मोटा तो खेलते भी रहते हैं, ऐसा भी नहीं कि खेलते नहीं है, जहीं वो तो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है ना दिमाग से, तो इसलिए अब ऊपर की दो कैटेगरी कौन सी होगी, हाई रोलर, तीसरे की कैटेगरी कौन सी होगी, जो हाई रोलर थे कभी, और इसलिए अब कसीनो को उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतना ऑलरेडी दे चुके हैं और वो भी उम्मीद छोड़ चुके हैं, अब कभी रिकवरी नहीं हो सकती, जबकि मेरा यह मानना है कि रिकवरी हो सकती है, करी जा सकती है, दुनिया में कुछ भी किया जा सकता है, बस सोच होनी चाहिए पहले, सबसे पहले सोच फिर इम्प्लीमेंटेशन, सोच नहीं होगी तो इम्प्लीमेंटेशन क्या करोगे। अब बची है मेन कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी, जिसको कसिनो भी नफरत करता है, कसिनो तीसरी कैटेगरी से हेट करता है, और ऊपर के दो टॉप कैटेगरी के लोग जो है तीसरी कैटेगरी वालों को नीची नज़रों से देखते हैं, कि क्या है यार छोटी छोटी रकमें ले आते हैं, दो दो चार चार हज़ार रुपये बनाने के लिए आते रहते हैं, इस तरीके से देखते हैं। उस कैटेगरी को दुनिया के कसीनो कहते हैं हिट एंड रन गैम्बलर। हिट एंड रन गैम्बलर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, हाई रोलर के लिए भी मैं अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, पर हिट एंड रन का आपने नाम सुना होगा, सलमान खान के ऊपर केस चला था, हिट एंड रन रोड एक्सीडेंट में एक धारा भी होती है, हिट एंड रन की का केस हो गया जी। हिट एंड रन का मतलब क्या है, उसका मतलब ही में ही उसकी परिभाषा छुपी हुई है कि हिट करके भाग जाना, हिट एंड रन। तो तीसरी कैटेगरी के जो गैम्बलर हैं, जिनको ऊपर की दो कैटेगरी के लोग भी गैम्बलर भी नीची नज़रों से देखते हैं, कसिनो उनको नापसंद करता है, पर रोक तो सकता नहीं आने से, क्योंकि इलीगल हो जाएगा वो कसिनो के लिए, तो वो हिट एंड रन गैम्बलर कहता है कसिनो उन लोगों को, क्योंकि वो हिट एंड रन क्या होता है, वो आते हैं 2-3 घंटे के लिए आते हैं, छोटी सी रकम लेके आते हैं, उससे वो बड़ा बनाते हैं और भाग जाते हैं, और बड़ा नहीं बना, छोटी सी रकम दी, 2-3 घंटे के अंदर खाया पिया भाग गए, मतलब वो आते हैं कसिनो को हिट करते हैं भाग जाते हैं, आते हैं कसिनो को छोटा सा हिट करते हैं भाग जाते हैं, और नहीं हिट हुआ खाना पीना खाते हैं निकल जाते हैं, कसिनो को मालूम है इससे बड़ी रकम मैं इससे ले जा ही नहीं सकता, तो इसको बोलते हैं कसिनो, इनको कहता है हिट एंड रन गैम्बलर, ये हिट करते भागते हैं, ये दीमक की तरह थोड़ा थोड़ा कसिनो को चाटते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। ये वो जो ऊपर की दो कैटेगरी के गैम्बलर है, वो रोज़ का 1 लाख रुपये के खेलने के बाद महीने में 10 लाख का माइनस होंगे, ये रोज़ के 5,000 रुपये लेकर के आएंगे, महीने के 1.5 लाख रुपये होते हैं, 1.5 लाख रुपये महीने का लाने के बाद में 50,000 रुपये प्लस होते हैं, अगर 2,000 रुपये भी रोज़ की एवरेज आ गई, मैंने बोला था ना कि आपको कसिनो भी जीतेगा और आप भी जीतोगे, पर दोनों के बीच का डिफरेंस आपका विनिंग अमाउंट होगा, अगर दोनों के बीच का डिफरेंस 2,000 पर डे भी आ रहा है तो वो 60,000 रुपये हो गई। दुनिया में कौन सा कोर्स कौन सी पढ़ाई करके आप 60,000 रुपये महीना खाते पीते 2-3 घंटे में कमा सकते हो, ठीक है। पर ऊपर वाले दो जो लोग हैं, जो हाई रोलर है, हाई रोलर गैम्बलर कहते हैं कि अरे 60,000 तो हम एक बार में बैट लगा देते हैं, ये 60,000 रुपये महीने के लिए, तो 60,000 में बॉस आप बैट तो लगाते हो, पर ओवरऑल तो महीने के अपनी जीवन में एंड में 10-20 लाख 50 लाख माइनस में ही तो होते हो। ये वीडियो बीच में रुक सकता है क्योंकि मेरा फ़ोन की बैटरी बिल्कुल कम है, क्योंकि मैं ऐसे ही मैंने बोला कि मैं अभी उठा ही था तो आ गया रात को, काफ़ी लेट कुछ कुछ बायोग्राफीज़ पढ़ रहा था मतलब, तो ऐसे ही आ गया। तो आप मेरी बात समझे कि ऊपर के जो दो कैटेगरी है वो हाई रोलर है, हाई रोलर का मतलब होता है जो हाई रोलिंग करते हैं और बहुत कॉन्फिडेंस में रहते हैं, और वो क्यों कॉन्फिडेंस में रहते हैं, क्यों नीचे वालों को, इसके लिए भी अलग से वीडियो बनेगा, जब ये सारे वीडियो खत्म हो जाएंगे तब मैं तुम आप लोगों से, जब मेरी कम्युनिटी भी बन जाएगी, मेंबर्स बढ़ जाएंगे, फिर एक लाइव चैट करने का फ़ायदा होगा ना, कि सवाल आ रहे जवाब आ रहे, फिर वो चाहे डिस्कशन 2 घंटे भी चले कोई दिक्कत नहीं होती। तो हिट एंड रन गैम्बलर सबसे बेस्ट वो होते हैं जो हिट करते निकल जाते, हिट करते निकल जाते। डॉन जॉनसन एक वो व्यक्ति है जिसने लास वेगास में कसिनोज को 6 महीने में 15 मिलियन डॉलर का चूना लगाया, मतलब विन किया लीगली। ये मैं जितनी भी बात कर रहा हूँ लीगल, कसिनो लीगल नहीं होते मैं बात ही नहीं कर रहा होता, हम सारे लीगल तौर तरीकों की बात कर रहे हैं। तो डॉन जॉनसन वो है जिसने लीगल तरीके से कसिनोज में 15 मिलियन 6 महीने में निकाले, और आजकल वो लोगों को कसिनो के बारे में सिखा रहा है समझा रहा है।
मैं अपनी बात करूं तो आप मैं ही नहीं कभी माइनस हुआ, मैं ज़्यादा बड़ा, मैं रेगुलर प्लेयर नहीं हूं, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं खेलता हूं, पर मैं इतना जानता हूं कि कसिनो मेरे से कुछ लेके नहीं जा सकता, ठीक है। उल्टा उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, कई अच्छे दोस्त बने हैं, बहुत सारे लोगों से सीखने को मिलता है। मेरी कसिनो में जाने की सबसे बड़ी भूख होती है वहाँ कई नए लोगों से मुलाकात होती है, कई अकलमंद कामयाब लोगों को बर्बाद होते हुए या बर्बादी की तरफ चलते हुए मैं देखता हूँ। पर हिट एंड रन गैम्बलर जो हैं, जिनको कसिनो ना पसंद करता है, वो गैम्बलर होते हैं जो रोज़ थोड़ा 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 चोट करते हैं, और वही प्लस होते हैं, वही 5% लोग होते हैं जिन लोगों ने कसिनो से अपना घर चलाते हैं, जो कसिनो से जिन्होंने मकान बनाया, जिन्होंने कसिनो से गाड़ी बनाई, क्योंकि वो हाई रोलर नहीं है। हाई रोलर अपने हाई रोलर होने पर ही इतराया जा रहा है, और कसिनो चाहता है कि वो हाई रोलर को ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस दे, ऐसी रॉयल्टी फील कराए कि वो इन्हीं सब में उलझे रहे, उनका ध्यान ही ना जाए कि वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि बाकी दूसरी शहरों में उनके अपने बिजनेस सेट हैं, बाप दादा उन्होंने बिजनेस सेट कर दिया, खुद ही बिजनेस सेट, अगर क्योंकि देखो मेहनत से बिजनेस सेट किया तो वो कसिनो में हाई रोलर नहीं बनेगा, अगर कसिनो में जाना भी है तो हिट एंड रन गैम्बलर बनेगा ना। तो बॉस आज के इस वीडियो में आपको ये समझ में आएगा कि आप अपनी पोजीशन चेक करो, क्या आप हाई रोलर की दो कैटेगरी में आते हो, क्या आप चौथी कैटेगरी में आते हो, क्या आप हिट एंड रन गैम्बलर हो, या आपको हिट एंड रन गैम्बलर बनना चाहिए। हिट एंड रन गैम्बलर मैंने आपको बता दिया, जो छोटी रकम लेके आते हैं उससे बड़ा बनाते हैं, बड़ा मतलब 5,000 से 50,000, 5 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, वो 5,000 रुपये लाते हैं, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, जहाँ पे भी बात बने वहाँ पे वो निकल जाते हैं। और अगर देखे जाएंगे तो एक बार में 5,000 देखे जाएंगे। अब इसको 5 मानो, किसी का बड़ा छोटा 10,000 होता है, किसी का छोटा, वो उसके हिसाब से हो गया, मैं तो एग्जाम्पल के तौर पर 5,000 की रकम ली है। तो हिट एंड रन गैम्बलर हमेशा फ़ायदे में रहते हैं, और उनसे कसिनो एक लिमिट से ज़्यादा कुछ नहीं ले जा सकता, इसलिए कसिनो भी उनको नापसंद करता है। यार इसे क्या लेके जाएंगे, अगर आज इसको मतलब ये क्या दे देगा हमें, 4 दिन में ये 20,000 देगा, 5वें दिन थोड़ी हारेगा, इतना आ रहा है इसको सब मालूम है कि कैसे विन करना है, तो 2-3 दिन से ज़्यादा थोड़ी माइनस कर दोगे। पर हाई रोलर तो एक फ्लो बना देता है। वो मतलब मैं देखता हूँ लोगों की बड़ी बड़ी 6-6 बैट आ गई, 10-10 उठ ही नहीं रहे हैं, फिर मैं थोड़ी देर बाद उन पर मेरी नज़र रहती है, थोड़ी देर बाद वो दूसरी टेबल पे खेल रहे होते हैं। कोई आदमी टेबल कब चेंज करता है, कोई आदमी अपनी विनिंग टेबल थोड़ी चेंज करेगा, मतलब वो अब वहाँ पर लूज़ हो गए तब वो भागे दूसरी तरफ, तो कब तक। तो बी ए हिट एंड रन गैम्बलर, वैसे तो प्लेयर बनना है, और अगर गैम्बलर बनना है तो हिट एंड रन गैम्बलर। ये हिट एंड रन गैम्बलर को हम प्लेयर भी कह सकते हैं, हिट एंड रन गैम्बलर को हम प्रोफेशनल गैम्बलर भी कह सकते हैं। प्रोफेशनल गैम्बलर वो होता है ना जिसका वो पेशा है, जिससे वो कमाई करता है, जिससे उसका घर चलता है, जिससे उसके जीवन के लक्ष्य पूरे होते हैं, उसी को तो पेशा बोलेंगे। जा के डालते गए कसिनो में, लुटवा दिया, पिटा दिया, मकान बेच दिया, सब कुछ कर दिया, तो उसको तो हम नहीं बोलेंगे कि वो प्रोफेशनल है। वो कौन सा गैम्बलर है वो कमेंट करके बताना आप। और ये वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, तभी मैं आगे इस तरह के बड़े वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। और ये हिट एंड रन वाली जो ट्रिक है, जो स्ट्रेटजी नहीं है ना, ट्रिक है ये, तो कैटेगरी है। अगर इस कैटेगरी में आप आते हो तो लाइफ के अंदर भी आप कामयाब रहोगे, क्योंकि हिट एंड रन जो है ऐसे ही ज़िंदगी को भी आपको हैक करना है, लाइफ हैकर बनना है। लाइफ को हैक करो ना, लाइफ ने आपको हैक कर रखा है। तो मैं तो लाइफ को हैक करके चलता हूँ, और लगातार मेरे और मेरी लाइफ के बीच में, लाइफ बोल रहा हूँ, वाइफ नहीं बोल रहा हूँ, लगातार मेरे और मेरी लाइफ के बीच में फ़ाइट चलती रहती है हैकिंग की। वो कहती है मैं तुझे हैक करूँगी, मैं कहता हूँ नहीं, मैं तुझे हैक करूँगा। अभी तक मैं मानता हूँ कि मैं विनर हूँ। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आएगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप इस बारे में क्या सोचते हो, हिट एंड रन गैम्बलर के बारे में और हाई रोलर के बारे में क्या बोलते हो। ये कसिनो के वर्ड है, ये कसिनो आपस में, ये कसिनो इस तरीके से हमारी साइकोलॉजी को डिफाइन करता है इंसानों की, गैम्बलरों की, और ये वर्ड उसने ईजाद की है कि ये हाई रोलर कैटेगरी में आता है। ये हमारे साथ नहीं शेयर करेंगे ये वर्ड, ये तो उन लोगों की इंटरनल वर्ड है कि हमें किस कैटेगरी में डालना है। जैसे मेरे को डाल दिया होगा हिट एंड रन गैम्बलर, अरे यार ये तो हिट एंड रन गैम्बलर है, ये छोटी वाला आता है ना हिट एंड रन गैम्बलर है, या कोई जो बड़े पैसे लेके जाता है जिसको मैनेजर आता है, और सर बहुत दिनों बाद आए, सर क्या हाल है सर, अरे सर सर के लिए वो लेके, अरे सर आपके लिए ये, वो हाई रोलर होते हैं, वो इसी बात में खुश होते हैं, देखो मेरे को मैनेजर मिलने आया। 5-5 लाख का जुआ खेलते हैं, और कसिनो से कहीं बीच पे जा रहे तो कसिनो से बियर और अपना खाना पार्सल करा के लेके जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा और आप लोगों की कंडीशनिंग ऐसे ही कर दूंगा।
कि आप लोग ये चीप हरकतें बंद करके हिट एंड रन गैम्बलर बन के या प्लेयर बन के जीतोगे। लोगों ने बोला यार हम 20 लाख हार गए, हमारे को रिकवरी बताओ कैसे होगी। सब बताऊंगा रिकवरी कैसे होगी, सब चीज़ें होंगी, आपका गया हुआ पैसा भी वापस आएगा, आपकी लाइफ में खुशियां भी आएंगी। पर ये मुझे मालूम है ये इतना कॉमन नहीं होगा, पर मैं कह रहा हूँ मैं एक आदमी का भी लिए भी ऐसा कर पाया तो मेरा वीडियो बनाना सफल है। ओके, थैंक यू दोस्त, गुड बाय।